महू में बन रहे नए रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पश्चिम रेलवे के जीएम के साथ रेलवे के डीआरएम और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बुधवार को स्पेशल ट्रेन से रेलवे के जीएम आलोक कुमार मिश्र महू पहुंचे। यहां जीएम ने रेलवे के अधिकारियों के साथ स्टेशन के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही जीएम के द्वारा नए प्लेटफॉर्म का भी जायजा लिया और नवीन कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही जीएम ने कहा कि नए प्लेटफॉर्म का कार्य सहित पूरा नवीनीकरण अक्टूबर माह में पूर्ण होकर महू को नया रेलवे स्टेशन की सौगात मिल जाएगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग अंबेडकर स्मारक की तर्ज पर बनाई गई है। यह बिल्डिंग लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है, जिसकी साइज 80x22 मीटर की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क लगभग पूरा हो गया है। जीएम ने आगे बताया कि महू खंडवा रेलवे लाइन का कार्य भी 2025 में कंप्लीट हो जाएगा, जिसको लेकर भी मीटिंग रखी गई है। हमारे द्वारा फॉरेस्ट की जमीन को लेकर राज्य सरकार से भी चर्चा हुई, जिसमें सरकार ने आश्वासन दिया कि जल्द ही जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही बारिश के मौसम में पाताल पानी से कालाकुंड के बीच हेरिटेज ट्रेन चलेगी, जिसका लुत्फ पर्यटक उठा सकेंगे। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। इंदौर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है और यहाँ से कई परियोजनाएं चल रही हैं। एक जो है इंदौर से महू होते हुए खंडवा की तरफ हमें लाइन बनानी है, एक इंदौर धार होते हुए दाहोद को जोड़ना है और एक इंदौर दाहोद होते हुए छोटा उदयपुर को जोड़ना है। इसी की आज समीक्षा इसी क्रम में है और ये महू का जो यार्ड है, जिसे अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर कहते हैं, इसको अक्टूबर में कमीशन करना है नए प्लेटफॉर्मों के साथ हम लोगों को। तो उसी की कार्य की आज समीक्षा थी कि ताकि उस अक्टूबर की जो डेडलाइन है वो हम लोग मीट कर सकें, ये ना हो कि उस टारगेट को बस किया जाए। इसके बाद अभी राइट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाया गया है, आज ही हमारी उनकी और सीईओ साहब की मीटिंग है डीआरएम साहब के साथ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफिस में होगी, जहाँ हम ये लोग जो नए लाइन बन रही है उसमें एक सर्वे करना पड़ता है, FLS सर्वे होता है, उसका DPR बनती है, तो उसमें कुछ इश्यूज़ हैं ताकि वो जल्दी हो सके। और स्टेट गवर्नमेंट ने हमें अपना पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है कि जो फॉरेस्ट एरिया है और जो प्राइवेट लैंड है वो हमको जल्द से दिलवाएगी, उसी के विषय में सर्वे राइट्स कर रही है, उसके लिए आगे मीटिंग है आज। घाट सेक्शन में पहले काफ़ी पहले ग्रेडियंट का था, उस ग्रेडियंट का डिसाइड हो गया और करीब 1.5 महीने पहले हमने फाइनल अलाइनमेंट भी हमने फ्रीज कर दिया है, अब उसके हिसाब से FLS हो रहा है। ये जो मुख्तियारा और ये जो आगे वाला सेक्शन है ये 2025 में ही कमीशन हो पाएगा। सर ये महू की स्टेशन नई बिल्डिंग कब तक मिल जाएगी? अक्टूबर में बताया, अक्टूबर में ये पूरा काम हो जाएगा। सर एक हेरिटेज ट्रेन भी चली थी पर्यटकों को घुमाती है। हेरिटेज ट्रेन अब जो है इस सीज़न में जब बारिश आएगी तो पाताल पानी से कालाकुंड तक चलेगी। रेल मंत्री कह रहा था कि हाफ इंजन जो है चलाएगी घाट सेक्शन में, तो ये महू के लिए प्लान है क्या? ये आगे होगा, अभी तो फिलहाल इस सीज़न में तो डीजल से ही चलेगी। ठीक, थैंक यू।